गुड मॉर्निंग बच्चों, बात करते हैं 10th क्लास के नए चैप्टर 10th चैप्टर सर्कल्स के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों, सर्कल होता क्या है ये बात करते हैं, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो भाई, सर्कल आपने 9th क्लास में भी डायग्राम तो कई बार बना ही रखे आपने, अर्लियर क्लासेज में, 6th में, 7th में, हर जगह आपने डायग्राम बना ही रखे हैं, ठीक है ना। सिमिलर ट्रायंगल में भी हमने जिक्र किया था कि सर्कल्स, सारे सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर, यानी कि उन सब की शेप एक जैसी होती है। तो शेप तो आप जानते हैं ही बच्चों। तो जैसे कि बात करें अगर सर्कल के बारे में, तो लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज सेम। यानी कि देखो, लोकस का मीनिंग होता है रास्ता, यानी कि जैसे ये मूविंग पॉइंट ये घूमने लग रहा है, जैसे ये पॉइंट मूव करने लग रहा है, और इस कंडीशन में मूव करे कि यहाँ से, जैसे यहाँ पर है ये फिलहाल, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लो अगर 5 सेंटीमीटर है, तो कहीं पर भी चला जाए, ये जा कहीं पर भी सकता है, लेकिन इस फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, ठीक है ना। मान लो घूमता घूमता यहाँ पर आ गया, चलता चलता, तो यहाँ पर भी इसकी डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, 5। फिर ऐसे यहाँ पर चला गया, तो यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, 5। मान लो मूव करता करता यहाँ चला गया ये, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो ये सर्कल का लोकस नहीं बने, मतलब ये लोकस जो है वो सर्कल नहीं बनेगा। फिर मतलब ऐसे घूमना है उसने, ऐसे मूव करना है कि डिस्टेंस उसकी यहाँ से कॉन्स्टेंट रहे, सेम रहे। तो इस तरीके से जो फिगर ट्रेस्ड आउट होगी बच्चों, वो क्या कहलाएगी, सर्कल, ठीक है ना। ये कांस्टेंट जो डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस, ये कहलाती है बच्चों रेडियस, ठीक है ना। रेडियस क्या होती है आपको पता चल गया, रेडियस होती है उस सर्कल में जो मूविंग पॉइंट है उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, आर से डिनोट कर देते हैं इसको, और जो फिक्स पॉइंट है उसको बोलते हैं सेंटर, ठीक है ना, फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। अब मैं सर्कल के कुछ पार्ट्स आपको बताता हूँ। देखो, वैसे इस चैप्टर में केवल टेंजेंट और सेकेंड के बारे में ही बात होगी, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा और आपको अपडेट कर देता हूँ आगे तक। तो सर्कल में क्या होता है बच्चों, रेडियस और सेंटर मेन होते हैं, ठीक है ना। रेडियस और सेंटर का आपको पता चल गया क्या है, जैसे ये सेंटर है बच्चों, ठीक है ना, और ये रेडियस हो गए, कहीं पर भी लगा सकते हो। तो ये जो है ये क्या हो गया आपका, डायमीटर, इसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है ना। उसके बावजूद इसको बोलते हैं कोर्ड, ये हो गई AB कोर्ड, ठीक है ना। और ये क्या है, AB आर्क, इसको आर्क बोलते हैं बच्चों, और ये क्या है, कोर्ड। तो डायमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट कोर्ड होती है सर्कल की, ये लॉन्गेस्ट कोर्ड है, ठीक है ना, सबसे बड़ी कोर्ड यहाँ से पास होगी। उसके बावजूद जैसे अगर डायमीटर को देखें हम, तो ये जो ऊपर बच गया, ये बच गया सेमी सर्कल, और ये भी बच गया सेमी सर्कल, ठीक है ना। और कोर्ड के बारे में बात करें अगर, तो ये ऊपर वाला क्या है, माइनर सेगमेंट, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। उसके बावजूद जैसे ये रेडियस हैं, ये दोनों रेडियस हैं, तो रेडियस और आर्क के बीच का हिस्सा जो है वो कहलाता है सेक्टर, तो ये है माइनर सेक्टर, और ये ऊपर वाला क्या है, मेजर सेक्टर, ठीक है ना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम पहले, उसके बाद डिटेल में जाएंगे।
यानी कि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में। तो फिलहाल और बात करते हैं कुछ, उसके बाद बात करते हैं बच्चों टेंजेंट, सिकेंट और नॉर्मल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सिकेंट के बारे में। वैसे आपकी बुक में सबसे पहले टेंजेंट के बारे में लिखा हुआ है, मैं सिकेंट लाइन के बारे में बात करता हूँ। देखो सिकेंट लाइन क्या है बच्चों, कोई भी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर कट करती है, दो से ज़्यादा पर कोई लाइन कट नहीं कर सकती सर्कल को, ज़्यादा से ज़्यादा दो सर्कल पर कर सकती है और कम से कम एक भी सर्कल एक भी पॉइंट पर ना करे, यानी कि दूर से चली जाए। जैसे कि ये एक भी पॉइंट पर इस सर्कल को कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो फिलहाल सिकेंट लाइन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो लाइन है ये इस सर्कल को दो पॉइंट ए और बी पर इंटरसेक्ट करती है बच्चों, तो ये है इसकी सिकेंट लाइन। अब टेंजेंट के बारे में बात करते हैं, अगर ये दोनों पॉइंट कंसाइड हो जाएं, मतलब बी और ए एक जैसा हो जाए, तो अपनी जो लाइन थी वो सर्कल को दो पॉइंट पर मिलती थी ए और बी पर, अब ए और बी दोनों सेम पॉइंट हो गए तो ये लाइन जो है वो इस तरीके से इसको मिलेगी, यानी कि इसको टच करके जाएगी आगे की तरफ, ठीक है ना। तो ये इसकी हो जाएगी टेंजेंट लाइन, इसको बोलते हैं बच्चों टेंजेंट लाइन, ठीक है ना। तो सिकेंड लाइन का पता चल गया आपको, टेंजेंट लाइन का पता चल गया। अब बात करते हैं नॉर्मल लाइन के बारे में। नॉर्मल लाइन क्या है बच्चों, जैसे कि आपकी ये रेडियस है, जैसे ये रेडियस है तो रेडियस यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये प्रूव करेंगे हम अभी, इसके बाद ही प्रूव करेंगे। तो ये रेडियस है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है ये, तो इस रेडियस को अगर आगे बढ़ा दिया जाए इस तरीके से, ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए तो ये इसकी नॉर्मल लाइन बोली जाएगी, ठीक है ना। इस सर्कल की नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर टेंजेंट पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है लाइन वो बोली जाती है नॉर्मल लाइन। तो सिकेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, नॉर्मल लाइन के बारे में पढ़ लिया बच्चों आपने। अब इसकी एक थ्योरम प्रूव करते हैं हम कि रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस जो होती है सर्कल की वो टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। साथ साथ लिख ही देता हूँ मैं, देखो छोटी सी थ्योरम है बिल्कुल। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या बनाती है 90 डिग्री का एंगल, ऐसा भी बोल सकते हो आप, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि टेंजेंट भी रेडियस की परपेंडिकुलर होती है और रेडियस भी टेंजेंट की परपेंडिकुलर होती है। तो प्रूव करते हैं बच्चों, बहुत छोटी सी थ्योरम बिल्कुल, देखो कैसे प्रूव करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पर इस टेंजेंट लाइन पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, ये सेंटर था इसका, और इसके ऊपर मैं कोई और पॉइंट ले लेता हूँ क्यू, तो क्यू जनरली आपको कहाँ लेना पड़ेगा, सर्कल से बाहर ही लेना पड़ेगा, सर्कल के यानी कि टेंजेंट लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेना आपने तो वो पॉइंट डेफिनेटली सर्कल से बाहर होगा, अगर सर्कल के अंदर होगा तो वो टेंजेंट नहीं रहेगी, सिकेंट बन जाएगी, ठीक है ना। सारी की सारी टेंजेंट बाहर ही होती, केवल एक पॉइंट पर टच करती है, वो अगर अंदर जाएगी तभी उसके अंदर लिया जा सकता है पॉइंट, तो टेंजेंट पर बाहर ही लिया जा सकता है, केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जो सर्कल के ऊपर लिया जा सकता है। टेंजेंट के ऊपर पॉइंट बोलने लग रहे हैं बच्चों में, टेंजेंट के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे आप टेंजेंट लाइन के ऊपर वो सर्कल से बाहर ही लिया जाएगा, केवल एक ही पॉइंट सर्कल के ऊपर लिया जा सकता है, वो ऑलरेडी है पहले से, ठीक है ना, तो वो भी ऊपर ही लिया जा सकता है, अंदर तो एक भी पॉइंट लिया नहीं जा सकता टेंजेंट के ऊपर, कि टेंजेंट के ऊपर आप पॉइंट लेने लग रहे हो और वो सर्कल के अंदर हो, ये मेन बात है बच्चों, इसी से प्रूव होगी थ्योरम। अब देखो
इसको मिला दिया मैंने ओ क्यू को। अब डेफिनेट सी बात है ओ पी जो है वो लेस देन ओ क्यू है, ये कॉमन सेंस की बात है बच्चों। डायग्राम भी बताने लग रहे हैं आपको कि भाई रेडियस क्या होती है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट प्राप्त होता है आपको उसको रेडियस बोलते हैं। जैसे कि ये सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट है, ये सेंटर है, तो इसको इससे जोड़ने से ये लाइन सेगमेंट मिला जो आपको ब्लैक वाला, ये क्या है रेडियस, ठीक है ना। तो डेफिनेट सी बात है ये रेडियस है। अगर पॉइंट इससे बाहर लेंगे आप तो रेडियस से बड़ी लेंथ तो आएगी डेफिनेटली, तो इसलिए जो क्यू पॉइंट लिया है वो सर्कल से बाहर है तो ओ क्यू जो है वो ओ पी से डेफिनेटली बड़ी होगी, ठीक है ना। और कोई पॉइंट लेंगे आप जैसे ओ आर ले लिया, ओ आर, तो ओ आर भी क्या होगा ओ पी से ग्रेटर होगा। यानी कि कितने भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे एल ले लिया मैंने ओ एल, तो ओ एल भी क्या होगा बच्चों ओ पी से ग्रेटर, ठीक है ना। यानी कि इसके ऊपर जो पॉइंट लिए हमने तो उन पॉइंट से ओ की जो डिस्टेंस निकाली वो हमेशा ओ पी से ज़्यादा आई। तो छोटी से छोटी डिस्टेंस कौन सी है ओ पी, शॉर्ट डिस्टेंस इसको बोलते हैं। और बच्चों शॉर्ट डिस्टेंस कोण मापता है 90 डिग्री का एंगल। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और बोर्ड से, बोर्ड और मेरे बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपने, तो शॉर्ट डिस्टेंस निकालनी है बच्चों। तो डिस्टेंस तो ये भी हो सकती है, देखो बिल्कुल सीधी जाएगी यहाँ पर, डिस्टेंस ये भी हो सकती है, 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 लेकिन जो बिल्कुल सीधी जाकर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वो क्या होगी शॉर्टेस्ट। तो इसका मतलब OP आपको दिखाई देने लग रहा है डायग्राम में, शॉर्ट डिस्टेंस है तो ये यहाँ पर क्या बनाएगी 90 डिग्री का एंगल, मैंने पहले से लिखा हुआ था ये प्रूव करना हमने, तो यहाँ पर ये बनाएगी 90 डिग्री का एंगल बस। अब ये क्या है रेडियस और ये क्या है टेंजेंट, तो इसका मतलब टेंजेंट जो है वो रेडियस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, या बोल सकते हो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। तो अब बच्चों एक्सरसाइज करते हैं 10.1। तो एक्सरसाइज करते हैं बच्चों 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। तो जैसा कि बच्चों जानते हो आप, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर छिपा है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक पॉइंट से कितनी लाइन आप पास करवा सकते हो। तो एक पॉइंट से कितनी लाइन आप पास करवा सकते हो तो एक पॉइंट से बच्चों इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है बेटा, इनफाइनाइट, ठीक है ना, बहुत सारी लाइन। तो वही बात है कि एक सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है, क्योंकि टेंजेंट क्या है, टेंजेंट सर्कल पर एक पॉइंट पर टच करती है, सर्कल के एक पॉइंट पर उसको टच करती है। मीन्स यानी कि वही बात होगी कि इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, तो बच्चों इनफाइनाइट लाइन इस पॉइंट से पास हो सकती हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये लाइन तो सिकेंड बन जाएगी वैसे, तो इससे इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया इनफाइनाइट। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पर इसको टच करती है, इंटरसेक्ट करती है सर्कल को उसकी टेंजेंट। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सिकेंड लाइन, बेटा क्या होती है सिकेंड लाइन। सिकेंड लाइन उसको एक से ज़्यादा यानी कि दो पॉइंट पर कट करती है सर्कल को। ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, इसने कहा है कि एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं। तो बच्चों एक सर्कल के पास केवल दो टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं, देखिए ये दो टेंजेंट पैरेलल हैं, इसके सिवाय इसमें पैरेलल टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते आप, ये करेंगे यहाँ से करेंगे तो वो इनके पैरेलल नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसमें दो टेंजेंट इसकी पैरेलल ड्रा की जा सकती हैं सर्कल की। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, यानी कि एक टेंजेंट का और सर्कल का कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है बच्चों, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है भाई ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, कैमरे की रेंज देख लेता हूँ बच्चों, नीचे सोल्व कर देंगे इसको, यही ठीक है,
देखो क्वेश्चन है कि ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, यानी कि ये पॉइंट पी है तो ये पी क्यू ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, ये सेंटर ले लेते हैं वो और ये ज्वाइन कर देते हैं, यही होता है इन क्वेश्चंस में, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो रेडियस है इसकी 5 जो कि आपको दिखाई देने लग रही है, ओ पी है इसकी रेडियस, तो ये 5 लिखेंगे। ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो पी क्यू की लेंथ निकालनी हमने, तो पी क्यू आ जाएगा बच्चों, ये है हाइपोटेन्यूस, ये 90 का एंगल है, तो हाइपोटेन्यूस ये है ओ क्यू और ये परपेंडिकुलर बेस ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ओ क्यू स्केयर माइनस ओ पी स्केयर और अंडर द रूट। तो ओ क्यू स्केयर क्या है 144 और ओ पी स्केयर क्या है 25 अंडर द रूट, यानी कि 119। तो आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है ना, आया समझ में, 119 यानी कि 119 अंडर द स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन, ड्राई सर्कल एट टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज ए सिकेंट टू द सर्कल, यानी कि आपने क्या करना है, सबसे पहले एक टेंजेंट एक सर्कल को ड्रा करना है, तो सर्कल ड्रा कर लेते हैं बच्चों, देखो पहले सर्कल ड्रा कर दिया भाई हमने। नेक्स्ट लिखा है ड्रा ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइंस, एक लाइन है जैसे ये लाइन है आपकी, ये लाइन यहाँ ले लेता हूँ मैं, ये लाइन ले ली मैंने ये लाइन, ठीक है ना। तो दो लाइन ड्रा करनी है इसके पैरेलल, जिसमें से एक सर्कल की क्या हो टेंजेंट और दूसरी सर्कल की क्या हो सिकेंट। तो भाई यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेंगे हम और इसका रेडियस है, जैसे ये रेडियस है मान लो इसका, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे बच्चों और यहाँ से ये लाइन पास हो जाएगी जो कि क्या होगी इसकी टेंजेंट, ठीक है ना, और इसके पैरेलल ड्रा करनी है बिल्कुल। उसके बाद ठीक ऐसे इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी इसकी सिकेंट लाइन, ठीक है ना, यानी कि दो लाइन हमने ड्रा कर दी L1 और L2 जो L की क्या है पैरेलल, साथ में L1 सर्कल की क्या है टेंजेंट और L2 सर्कल की क्या है सिकेंट लाइन। तो बच्चों इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक 10.2 का बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है 10.2, ठीक है ना, यानी कि एंगल्स के बारे में बात करेंगे, सेम सेगमेंट में बने एंगल, अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल, इस तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं उसमें कंसेप्ट हैं, तो ये आप यहाँ तक रिवाइज़ कीजिए, इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।